बात खेल जगत की कर लेते हैं, क्योंकि पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन का बड़ा ऐलान हुआ है। अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं शिखर धवन। अपने फैंस के लिए एक वीडियो मैसेज उन्होंने जारी किया है और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। धवन ने आखिरी बार दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत के लिए मैच खेला था, लेकिन अब उस जगह पर शुभमन गिल को टीम में जगह मिल गई थी। 38 वर्षीय धवन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने प्रशंसकों के लिए एक लंबा वीडियो संदेश साझा किया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी बात यह नहीं है कि अब मैं आगे नहीं खेल पाऊंगा, बड़ी बात यह है कि मुझे भारत के लिए खेलने का मौका मिला है। क्या कुछ कहना है शिखर धवन का इस मौके पर, सुन लेते हैं। नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक की मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सिन्हा जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी, फिर मेरी टीम जिसके साथ साथ मैं सालों खेला। मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है, तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूँ। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूँ, तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ BCCI DDCA का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। मैं बस खुद से यही कहता हूँ कि भाई, तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला। तो इस खबर पर मेरे सहयोगी सुमित शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आज का दिन निश्चित तौर पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत खुशहाली का दिन नहीं रहा होगा, हालांकि आना जाना तो लगा रहता है, पर गब्बर अब जो है खेल के मैदान पर दिखाई नहीं देंगे। निश्चित तौर पर भारत गब्बर, क्रिकेट के गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन टीम इंडिया की जर्सी में हमें नजर नहीं आएंगे। हालांकि ऐसा होना ही था, ऐसे संकेत मिल ही रहे थे, ऐसा लग ही रहा था, क्योंकि जब एक क्रिकेटर काफी लंबे समय से टीम से बाहर रहता है और उसको लगता है कि अब टीम में वापसी संभव नहीं है, तो उसे बड़े फैसले, इस तरह के कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसा कि शिखर धवन ने लिया। हालांकि हरफन मौला खिलाड़ी के रूप में क्रिकेट की दुनिया में शिखर धवन हमेशा याद रखे जाएंगे, उनका खेल याद रखा जाएगा। आपको याद होगा भारत की इंडिया के लिए कई बड़ी पारियां शिखर धवन ने खेली हैं और कई मैचेस टीम इंडिया को उन्होंने जिताए हैं, और निश्चित तौर पर वो हमेशा अपने क्रिकेट के लिए और अपने गब्बर वाले अंदाज के लिए हमेशा जाने जाएंगे भारत। और एक बेहद झटका हम कह सकते हैं गब्बर के फैंस के लिए, शिखर धवन के फैंस के लिए। और निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं भारत, क्योंकि टीम इंडिया अब यंगिस्तान की तरफ बढ़ चली है, अब हम देख रहे हैं कि सीनियर खिलाड़ी धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। आपने देखा होगा विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने T20 से संन्यास ले ही लिया है, तो धीरे धीरे हम अब देख रहे हैं कि टीम इंडिया में यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है। जैसा कि शिखर धवन के बारे में कहा जाता है कि 2022 में उन्होंने आखिरी T20 आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था, फिर शुभमन गिल की एंट्री हो जाती है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मैनेजमेंट उन्हें आगे बढ़ाता है। शिखर धवन ने भी एक्सेप्ट किया था। बिल्कुल सुमित, जीवन इसी सतत यात्रा का नाम होता है, लेकिन एक बात, ब्लू जर्सी में खेल के मैदान पर अगर कोई खिलाड़ी उतर जाए तो वो पल उसके लिए जीवन भर का अनुभव बन जाता है। शिखर धवन अब खेल के मैदान में तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त शिखर धवन के नाम जुड़ी हुई है। गब्बर कहे जाते थे ये इंडियन टीम के, लंबे समय से खेल से दूर रहे थे, क्रिकेट से दूर रहे थे, अब जो है इन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए।